एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड लैंड रिलेशंस इन कॉलोनियल इंडिया, क्या थे एग्रेरियन स्ट्रक्चर? क्या जो पेजेंट काम कर रहा था लैंड पे, जो आदमी लैंड पे काम कर रहा था उसका हक था लैंड पे, या फिर जो उस लैंड को ओन करता था उसका हक था? इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जब ब्रिटिश रूल आया था कंट्री के अंदर, कुछ चीजें हुई, जैसे कि जो हमारी विलेज कम्युनिटीज थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। क्या मतलब था इस बात का? हमारा जो विलेज था वो एक काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था। उसी विलेज के अंदर कारपेंटर होता था, टीचर होता था, पंडित होता था, सब जने होते थे, और कुछ लोग हैं जो प्रोड्यूस करते थे, कुछ लोग सर्विसेज देते थे। वो सारी की सारी जो ट्रेडिशनल एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था वो विलेज कम्युनिटी का थ्रेटेंड हो गया, वीक हो गया था। उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ, हम आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे। लैंड मार्केट्स फॉर्म हुए, रेंट्स बढ़ गए, और क्योंकि रेंट्स बढ़ गए तो रूरल इंडेटनेस भी आया। बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ गए, जो किसके बीच में? उनके बीच में जो कि लैंड पे खेती कर रहे थे और गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कि जमींदार्स। जमींदार्स ने अपनी भी सबलेटिंग स्टार्ट कर दी, ट्रांसफरिंग ऑफ जमींदारी राइट्स हुआ, वो देखते हैं आगे। क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट फेमीन्स हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ऑल ऑफ दैट हैज लेड टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स, इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। फिर जो कंपनी का मेन इंटरेस्ट था वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं था, कंपनी का इंटरेस्ट के एग्रीकल्चर बढ़े, देश का फायदा हो, इंडिया का फायदा हो, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट किस चीज में था? इंटरेस्ट इस चीज में था कि हम किस तरीके से ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, एंड वी कुड ट्रांसफर दिस लैंड रेवेन्यू बैक टू द क्राउन, एंड दैट कुड बी यूज्ड फॉर इंप्रूविंग ट्रेड, एंड दैट कुड बी यूज्ड फॉर इंप्रूविंग और स्ट्रेंथनिंग आर आर्मी, इसके लिए यूज होगा। ये कंपनी का मेन इंटरेस्ट था। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए सारी की सारी एक्सप्लॉयटेशन थी। उन्होंने ये सोचा कि अब ये लैंड रेवेन्यू, हाउ हाउ वी कैन हैव दिस लैंड रेवेन्यू, वी विल क्रिएट जमींदार्स। हु आर दीज जमींदार्स? सो अर्लियर लैंड वॉज ऑक्शन, एंड द पर्सन हु वॉज द हाइएस्ट बिडर, लैंड वॉज गिवन टू देम, एंड दे वर जमींदार्स। एंड दीज जमींदार्स दे हैड द रिलेशन विद अ न्यू फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर प्रैक्टिसिंग न्यू काइंड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो लैंड जो है वो ऑक्शन हो जाती थी उनके, और जो भी हाइएस्ट बिडर होता था लैंड का उसके पास पहुंच जाती थी। ये सारा का सारा सिस्टम चलता था 1793 के आसपास तक। 1793 में एक एक्ट आया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन इसके बीच में ये जो हाईएस्ट बिडर्स थे, जमींदार्स थे, ये जमींदार्स एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, बिकॉज ये जमींदार्स इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि ये पीजेंट से लैंड रेवेन्यू लेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देंगे। पेजेंट्स इतना बड़ा लैंड रेवेन्यू देने के कई जने इस लेवल पे नहीं थे कि वो लैंड रेवेन्यू दे सकें, तो वो भाग जाते थे, एब्सकॉन्ड कर जाते थे। लोग अगर प्रोड्यूस ही कुछ नहीं करेंगे तो फेमीन्स होंगे, इम्पोवरिशमेंट होगा, ये सब होता था। ऑल ऑफ दैट दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल परमानेंट सेटलमेंट। सो बिटवीन, अच्छा एक चीज और बताई, दैट बिटवीन 1765 टू 1793 द डिमांड फॉर लैंड रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल्ड। खुद देख लीजिए, सरकार अगर ये जो भी है कि वो बढ़ाई चले जा रही है अगर लैंड रेवेन्यू को, तो ये जिएंगे कैसे? बट उनको इससे कोई मतलब नहीं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बिहार में, बंगाल में लाया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 में। उसमें कहा गया था कि जमींदार जो हैं वो प्रोपराइटर्स हैं सॉइल के, वो प्रोपराइटर हैं लैंड के, एंड दीज जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल टू पे
फिक्स्ड रेंट टू द स्टेट, फिक्स्ड रेंट, एक फिक्स्ड रेंट। ऐसा नहीं है कि आउटपुट किसी साल ज्यादा हुआ तो ज्यादा, आउटपुट किसी साल कम हुआ तो कम। हालांकि गलती ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गई थी, तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हर जगह नहीं लागू करा गया था, बिकॉज इसमें कई जगह नुकसान भी हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस तरह से? बिकॉज अगर किसी साल ज्यादा आउटपुट आ जाता, देन देवर बाउंड ओनली बाय द फिक्स्ड रेंट, उनको सिर्फ फिक्स्ड रेंट देना होता था। वो कहते थे नहीं नहीं भैया ये नहीं चलेगा। अभी करता हूँ बात इसके बारे में। सो स्टेट हैज क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, राइट? सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट वॉज वॉट? टू इंश्योर कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू आता रहे, उससे वो बहुत खुश थे। जमींदार जो थे, ऐसा सोचा जाता था कि जमींदार पीजेंट्स के लिए काम करेंगे, लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, देश की प्रोडक्टिविटी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमींदार्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑन, दे वर नॉट एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट, वो नहीं थे वो। और बहुत बड़ी एक चेन ऑफ इंटरमीडियरीज आ गई थी बिटवीन द पर्सन हु इज टिलिंग द सॉइल एंड द पर्सन हु इज टेकिंग द रेवेन्यू। हु इज टेकिंग द रेवेन्यू? गवर्नमेंट। सो ये जो जमींदार से जो इंटरमीडियरी क्लास है, ये बहुत बढ़ गई थी बीच में, राइट? सो बहुत सी जगहों पे, जैसे बंगाल के अंदर तो एक फिक्स मॉडल ऑफ फिक्स, मतलब एक मॉडल था फिक्स रेंट का। ये परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम नहीं लागू करा गया था इन ओडिशा एंड असम, उसमें टेम्पररी सेटलमेंट्स थे, ट्रांसफर ऑफ। अच्छा एक और बात है कि मुगल पीरियड के अंदर जो जमींदार थे वो मेनली सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो मुगल बादशाह थे या जो भी उनके गवर्नर्स रहे होंगे उनको दिया करते थे वो लैंड। लेकिन ब्रिटिश पीरियड के अंदर इन जमींदार्स की जो पावर्स थी, दे वर एक्सटेंडेड बियॉन्ड जस्ट जस्ट कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू। दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लीगल पावर्स, ऑल ऑफ दैट वॉज ऑल्सो गिवन टू देम। फिर आता है जी ट्रांसफर ऑफ जमींदारी राइट्स। ट्रांसफर ऑफ जमींदारी राइट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो जमींदार थे वो बहुत खुश थे ब्रिटिश से, वो ये कहते थे भैया अब हमारे को भी कुछ नहीं मिल रहा, आप इतना बड़ा लैंड रेवेन्यू तो अपने पास से लिए चले जा रहे हैं, तो हमारे लिए बच क्या रहा है? तो वो ये कहते थे कि ठीक है, हम जिनके पास पैसा है, जिन लोगों के पास, अगर वो हमसे कुछ जमींदारी राइट्स खरीदना चाहते हैं तो हम उनको दे सकते हैं। मैंने दे दिया। अब इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो एक और इंटरमीडियरी आ गया, एक्सप्लॉयटेशन का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? पेजेंट का। दैट्स व्हाट यूज टू हैपन, राइट? सो दे यूज टू लीज आउट सम पोर्शन ऑफ देयर लैंड, और समटाइम्स इवन द कंप्लीट लैंड व्हाटसोएवर। फिर आती है बात रूरल इंडेटेडनेस की। देखिए रूरल इंडेटेडनेस तो बड़ी, कैसे बड़ी? रूरल इंडेटेडनेस ऐसे बड़ी है कि पेजेंट्स को लैंड रेवेन्यू देना ये सर्वोपरि बात थी, ये सबसे निश्चित बात थी, आपको देना ही पड़ेगा। पेजेंट को प्रोड्यूस करना होगा उसके लिए आउटपुट, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको इनपुट्स की आवश्यकता होगी, इनपुट्स को यूज करने के लिए उसको क्रेडिट लेना होगा। सो द मूवमेंट पेजेंट टेक टेक्स अप एनी क्रेडिट, ही वॉज बाउंड, ही आई मीन रूरल इंडेबटेडनेस इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट। देन इन केस इफ एनी पेजेंट इज गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन गिविंग बैक दैट क्रेडिट, हिज लैंड वॉज एक्वायर्ड, राइट? सो एक तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से रूरल इंडेबटेडनेस बढ़ रही थी। दूसरा, वी हैड द अनडिफाइंड रेंट रिलेशंस विद जमींदार्स। क्या मतलब कोई, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस वी हैड? द ओनली रिलेशन वाज दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द रेंटल इनकम फॉर द जमींदार्स, दैट इज इट, राइट? एट द एक्सपेंस ऑफ द पेजेंट्स। एंड जमींदार्स दे आल्सो यूज्ड टू कोअर्स द पेजेंट्स अ लॉट। आई मीन वो अपनी लीगल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, सब कुछ यूज करके इन पेजेंट्स से ज्यादा से ज्यादा काम करवा के अपना अपना काम करवा लेते थे। देन इन पेजेंट्स के ऊपर ये भी प्रेशर था कि आपको कैश क्रॉप कल्टीवेट करनी,
बहुत से यूरोपियन प्लांटर्स चाहते थे कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करें। अब कई बार इन कल्टीवेटर्स को लगता था कि इंडिगो प्रोड्यूस करके हमारे को फायदा ही नहीं हो रहा, हमारा तो नुकसान हो रहा है। अब नुकसान हो जाएगा तो रूरल इंडेबटेडनेस नहीं बढ़ेगी। कई फार्मर्स कई उनको उनको प्रेशर करा जाता था कि आपको ओपीएम प्रोड्यूस करना है। अब ओपीएम के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो वेदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा थी। अगर किसी साल ड्रॉट हो गया, मॉनसून ठीक नहीं आया, फिर से कोई प्रॉब्लम, उनको तो फिक्स रेंट ही चाहिए, ये मानेंगे नहीं, हम दे नहीं सकते, तो रूरल इंडेबटेडनेस बढ़ गई। जूट जूट के लिए भी यही प्रॉब्लम थी कि जो कल्टीवेटर्स थे उनको मनी बोरो करना पड़ता जूट प्रोड्यूस करने के लिए भी, और वो उस मनी को बोरो करने के लिए वो अपना पार्ट ऑफ आउटपुट देते थे, तो पूरा ही आउटपुट देना पड़ता था, या उनको बहुत लो प्राइसेस पर बेचना पड़ता था। सो ऑल ऑफ दैट हैज लेड टू रूरल इंडेबटेडनेस, राइट। कुछ लिमिटेशंस थी जमींदारी सिस्टम की, वो लिमिटेशंस क्या थी, राइट। पहली लिमिटेशन तो ये सबको ही पता है कि भाई जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे इन पेजेंट्स को इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ देम, वन थिंग। सेकेंडली, दीज जमींदार दे वर गिवन एक्सेसिव लीगल, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एवरीथिंग वॉज गिवन टू देम, एंड दे यूज टू कोर्स दीज पेजेंट्स, एंड देर वॉज नो अकाउंटेबिलिटी। आई मीन, इन केस इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, then these peasants can't go anywhere else, right? At least in theory they could have gone to courts, but they couldn't actually go easily to anywhere. So they were not account. I mean, zamindars were not accountable for their own actions. Britishers, they kept their eyes shut till the point they were getting the fixed revenue. That is it. The person who is producing the output, peasant, he is the most important person. And you are exploiting that person at an excessive scale. And there was no protection which was given to the peasant. So this was the limitation of zamindari system. And all of this has led to the revolt, now that no, we do not want this system. And another important point is that there is a lack of mobility of peasants. Even if peasants, they want to move up the social ladder, they can't. They will remain peasant only. Right? So there was a hierarchical occupation. So there were limited opportunities for upward social mobility. So these are some points which you have to keep in mind for land relations as far as zamindari system is concerned. And we will talk about the Rayatwari and Mahalwari system and the other systems in the next class. Thank you, beta.